है एलन के ऊपर एक फुल गाइड वीडियो। इस वीडियो में मैं एलन के सारे एबिलिटीज, फुल बिल्ड्स और एलन को कैसे अच्छे से खेलते हैं वो सब बताऊंगा। और गाइस, मैं ये चैलेंज देकर बोल सकता हूँ कि इससे अच्छा एलन का गाइड वीडियो यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस, अगर आप भी एलन जैसे एक ओवर पावर टाइटन को मास्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सो बिना कोई देरी करे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एलन का फर्स्ट 3 ऑटो अटैक्स एनिमी पे एक साथ फिजिकल और मैजिक डैमेज करता है, और उसका 4th ऑटो अटैक एनिमी पे ट्रू डैमेज करता है। एलन जब भी उसका ऑटो अटैक और उसका फर्स्ट स्किल एनिमी पर यूज करता है, एलन को स्टैक्स मिलता है। नीचे ग्रीन कलर का ये इंडिकेटर बताता है कि एलन के पास कितने स्टैक्स है। जब एलन को 8 स्टैक्स मिलता है तब एलन उसके लॉस्ट एचपी का 12% रिकवर करता है, और जब एलन को 16 स्टैक्स मिलता है तब एलन उसके लॉस्ट एचपी का 150% रिकवर करता है एज ए लाइफ स्टील। और भाई लोग, एक बात याद रखना कि एलन के ये स्टैक्स मैक्सिमम 16 तक ही जाता है, 16 के बाद ये रिसेट होकर फिर से 1 पे आ जाता है। और एलन का हर एक स्टैक्स उसको 2% डैमेज रिडक्शन और 5% आर्मर पेनिट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। और गाइस, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलन के ऑटो अटैक्स के ऊपर अटैक स्पीड इंक्रीज आइटम्स काम नहीं करता है। अगर आप कोई अटैक स्पीड इंक्रीज आइटम यूज करोगे तो 1% ऑफ ऑटो अटैक 2 फिजिकल डैमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैक्स एलन के नंबर ऑफ ऑटो अटैक्स को इंडिकेट करता है। तो अगर आप कोई ऑटो अटैक यूज करे बिना एलन के फर्स्ट एबिलिटी को यूज करोगे तो वो एनिमी को जस्ट हवा में नॉक करेगा और थोड़ा डैमेज देगा। पर अगर आप एक ऑटो अटैक स्टैक करके फिर एनिमी पे फर्स्ट एबिलिटी यूज करोगे तो वो एनिमी पे 3 हिट कॉम्बो अटैक करेगा। अगर आप 2 ऑटो अटैक स्टैक करके फिर एनिमी पे फर्स्ट एबिलिटी यूज करोगे तो वो एनिमी पे 5 हिट कॉम्बो अटैक करेगा। पर अगर आप एनिमी पे 3 या 4 ऑटो अटैक स्टैक करके फिर फर्स्ट एबिलिटी यूज करोगे तो वो एनिमी पे 9 हिट कॉम्बो अटैक करेगा। तो आप जब भी एलन का फर्स्ट एबिलिटी यूज करो तो पहले 4 स्टैक्स फुल कर लो ताकि फर्स्ट एबिलिटी का फुल फॉर्म अनलॉक हो। और एलन का सेकेंड एबिलिटी यूज करने पे एलन सामने डैश करता है, एनिमी को डैमेज करता है और उन्हें कुछ देर तक रूट करता है। ये रूट थोड़ा अलग टाइप अल्टीमेट एबिलिटी के ऊपर। आप जब एलन का अल्टीमेट यूज करोगे तो वो एक एनिमी पे लॉक हो जाएगा और कुछ देर बाद एनिमी पे एरिया डैमेज करेगा, और उस टाइम तक एलन अनटारगेटेबल भी रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि एनिमी का एचपी जितना ज्यादा होगा, एलन का अल्ट एनिमी पे उतना ही ज्यादा डैमेज करेगा। और एलन के अल्टीमेट की एरिया के अंदर अगर और भी ज्यादा एनिमी हो तो वो उनको भी डैमेज करेगा। एलन का अल्टीमेट अगर एक एनिमी पे हिट करेगा तो वो एनिमी के करंट एचपी का 15% डैमेज करेगा। एलन का अल्टीमेट अगर 2 एनिमी को हिट करेगा तो वो एनिमी के करंट एचपी का 30% डैमेज करेगा। और अगर एलन का अल्टीमेट 3 या उससे ज्यादा एनिमी को हिट करेगा तो वो एनिमी के करंट एचपी का 50% डैमेज करेगा। तो आप हमेशा कोशिश करो कि जब भी बहुत सारे एनिमी एक साथ हो आप तभी एलन का अल्टी चलाओ, ताकि वो बहुत सारे एनिमी को एक साथ डैमेज कर सके। और एक और बात जो आपको पता होना चाहिए कि एलन का अल्टीमेट आप अपने टीममेट्स पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप एलन का अल्टी अपने टीममेट पे यूज करोगे तो आपके टीममेट का मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और वो अगर एनिमी पे हिट हुआ तो जितना डैमेज वो एनिमी को करेगा उतना ही शील्ड आपके टीममेट को भी मिलेगा।